महीने पहले उसको बुखार हुआ था। बुखार हो इसीलिए हम हॉस्पिटल लेके गया था उसको। हॉस्पिटल लेके गया था तो उसको डॉक्टर ने क्या कहा कि उसको कैंसर के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्ट किया तो हमें पता चला कि उसको कैंसर हुआ। फर्क इतने हैं, वो तो बहुत ही चंचल था पहले से, अभी लगता है थोड़ा चिंता आ गया। शायद उसका मन में आ गया कि अब तो मैं यार फुटबॉल खेलना नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसके पैर का ऊपर ही तो चोट है। बाल तो झलते हैं, दो दूसरा ही कीमो लगा तब झलने लगा, थोड़ा तकलीफ महसूस किया, मन में थोड़ा वो हो गया था। उसके पहले इसकी सेहत बहुत अच्छी थी, जब बीमारी हुई तो इसे एकदम सेहत पूरा ख़राब हो गया, इसका वीकनेस आ गया, पूरा शरीर वाइट होने लगा, मैंने नहीं खेल पाता था। ये पैसे कम था हमारे पास तो क्या क्या गया, हमारा जमीन बेच के इधर आया। बहुत मुश्किल होता है जिस समय हम और हमारे हस्बैंड, हमको एक साल एक महीना हो गया इधर, हमारी सारी इनकम है ख़त्म हो गई, जितना भी हमारे पास था हमने लगा दिया, और ऐसे बुरे वक्त में तो हमारे अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। न्यूट्रिशन एंड गुड हेल्थ आर द की रोल्स for good improved nutrition and for immune system of these children who are suffering from cancer. Good nutrition and a personalized planning for every child is a crucial role. So if they have good nutrition, they can tolerate the treatment, that's chemotherapy, surgery and even radiation much better. If they do not have good nutrition, then they are not able to tolerate, which reduces their survival rate. Proteins bahut mehanga aata hai, packets mein 1000 ऐसा आता है, ये खरीदने में अगर ये एक महीने में दो तीन पैकेट भी ख़त्म कर लेते हैं, ये अगर ये खरीदेगा तो बहुत पैसा खर्च करना होता है। जिस समय इसका कीमो चलता है तो ये इतना वीक हो जाता है कि उसको बहुत एक्स्ट्रा डोज की ज़रूरत पड़ती है, जो हमको लेने में तकलीफ भी होती है, हमारी इतनी जो है नहीं है आर्थिक स्थिति अच्छी कि हम ले सकें। Karuts Foundation is the only foundation in the country that focuses on providing nutrition for kids who are afflicted with cancer. We do holistic nutritional supplementation, we provide nutritional products, our nutritionists across the hospitals take care of the children and their nutritional requirements. We even do a lot of research and training around nutrition. हमें पौष्टिक आहार डाइटिशियन ने बराबर दिया, इसी वजह से उसके तबीयत में सुधार है और वजन भी बढ़ा है। डाइटिशियन ने वो कप देती है वो जिससे इनका वेट बढ़े, और बिस्किट देती है सब वेट बढ़ने के लिए, और ये बॉर्नविटा ये सब बहुत कुछ देती है। कटल्स की जो डाइटिशियन मैडम है हमारे हॉस्पिटल में बैठती हैं, वो हमको देती हैं, बिस्किट देती हैं, जो हम बाहर से 500 रुपये का एक डिब्बा आता है वो हमको दो डिब्बे देती हैं, तीन डिब्बे देती हैं, तो हमारे बच्चे का सेहत अच्छा होता है। So there are various ways that you could be supporting the cause. One would be you could be either giving your own self-service, which would be by being a part, visiting all the hospitals, also providing your services by providing the midday meals, providing them with the ration program, distributing it themselves, or adopt a child and be there for the child throughout the treatment. Or you could also be providing them with the ration or any one program that Cuddles does.